यह कहानी दो लड़कों की है, जिनमें से एक लड़का एक ऑफिस में काम करता था और दूसरा एक लड़का जो अंधा था सड़क पर भीख मांगता था। जो लड़का ऑफिस में काम करता था उसको जो उसके स्टाफ वाले थे वो ये कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो तू यहाँ पर काम कर रहा है वेस्ट है और अपना समय बर्बाद कर रहा है। एक बार और जो लड़का भीख मांगता था, एक दिन जब वह ऑफिस से आया उसने देखा कि यह अंधा लड़का है और भीख मांग रहा है और यहाँ के व्यक्ति उसको भीख नहीं दे रहे हैं, यानी उसने उसका कटोरा खाली देखा। तो अगले दिन जब मैं ऑफिस के लिए आया तो उसके पास एक दख्ती थी जिस पर लिखा था कि मैं अंधा हूँ मेरी हेल्प करिए। तो उसने वो दख्ती पर लिखा हुआ मिटा दिया और उस पर कुछ और लिख दिया और वो अपने ऑफिस चला गया। जब शाम के समय फिर वो अपने घर के लिए निकला, उसने सोचा कि मैं उस अंधे व्यक्ति को देखकर चलूं। तो उसने देखा कि आज उस अंधे व्यक्ति के कटोरे में बहुत सारे पैसे थे। जब वह व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति के पास आया तो बोला कि आपने ऐसा इस तख्ती पर क्या लिखा कि आज प्रत्येक व्यक्ति मुझे कुछ ना कुछ देकर जा रहा है। उसने कहा कि तुमने लिख रखा था कि मैं अंधा व्यक्ति हूँ और मेरी हेल्प करिए, बस मैंने इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। मैंने लिखा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं देख नहीं सकता। इससे शिक्षा मिलती है कि अगर कोई कार्य हमसे एक तरीके से ना हो रहा हो तो हमें उसमें कुछ क्रिएटिविटी ले आनी चाहिए। धन्यवाद।